हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी 2010-11 का जो पेपर है, 2010 का एक्चुअल में जो 11 में हुआ था 13 फरवरी 2011 को, उसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और बाकी वीडियो आप टीजीटी या पीजीटी की और प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी के चैनल पर, उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये लाइन किसने लिखी थी? तो ये पी वी शैली ने लिखी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ नाइटिंगल इज, नाइटिंगल नाम की पोएम थी किसने लिखी थी? तो रॉबर्ट ब्रिज ने लिखी थी। कई बार द नाइटिंगल एक पोएम आ जाती है, ऑड टू नाइटिंगल, तो हम कई बार उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो ऑड टू नाइटिंगल कीट्स का वर्क था, लेकिन यहाँ सिर्फ नाइटिंगल है, तो ये रॉबर्ट ब्रिज ने लिखा था। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन दो का। तीसरा देख लेते हैं, विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तीसरा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ग्रेस एलिजी, थॉमस ग्रे ने जो एलिजी लिखी थी, एलिजी रिटन इन कंट्री चार्जर, वहाँ से ये लाइन ली गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर एलिजी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चार्जर, उसको आप जरूर पढ़ें, उसकी एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एल्केमिस्ट्री जे क्या है, नोवेल है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, बुक ऑन केमिस्ट्री क्या है? तो ये है एल्केमिस्टिक नोवेल है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली एल्केमिस्टिक नोवेल भी है पॉल कोइलो द्वारा, लेकिन ये क्योंकि बेन जॉनसन है, पॉल कोइलो टीजीटी के सिलेबस में नहीं होते हैं, तो जो ये कॉमेडी हो जाएगी, बेन जॉनसन ने एल्केमिस्ट नाम की जो कॉमेडी प्ले लिखा था, एक्चुअली में ये कॉमेडी प्ले था, तो अगर ये ऑप्शन कॉमेडी प्ले होता तो दैट विल बी ए गुड ऑप्शन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सिलेबस में पॉल कोएलो नहीं है तो ये फिर कॉमेडी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि अल्केमिस्ट बेन जॉनसन की कॉमेडी प्ले था एक्चुअल में, ठीक है। और एक द एल्केमिस्ट नाम से सेम नोवेल लिखा था पॉल कोएलो नाम के राइटर ने, तो आपको ध्यान रखना है, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉमेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अलेक्जेंड्राइन इज वर्स लाइन इन एन आइम्बिक पेंटामीटर या एन आइम्बिक हेक्सामीटर टेट्रामीटर हेक्सामीटर ट्रोचिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइम्बिक पेंटामीटर में होता है अलेक्जेंड्राइन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यू एच ऑर्डन बिलोंग टू द प्रेजेंट सेंचुरी, 19th century, 18th century, 20th century, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन 20th century से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, तो नॉवेल्स, इसमें 7th में भी ऑप्शन हो जाएगा, नॉवेल्स उन्होंने अर्ली लाइफ में लिखे थे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉबर्ट बर्निंग्स पोइट्री इज ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक मेल्योरिस्टिक, तो आई एम श्योर सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि रॉबर्ट बर्निंग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हाँ ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9th, मिल्टन वाज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिजाबेथन था लेकिन बिलेटेड मतलब लास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th से, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्राइडन एज ए क्रिटिक वाज, ऑप्शन ए ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ अरिस्टोटल एंड अवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल रेशनल फॉलोइंग ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। एक्चुअली मैं उसने रेशनल तौर पे इसकी क्रिटिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया था, तो ऑप्शन थोड़ा और रिफॉर्म हो सकते हैं, बट स्टिल एज पर द आंसर की ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बट आई डोंट एग्री, इट मस्ट बी ऑप्शन डी हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ ऑप्शन बी है 11th में, 12th में ऑप्शन ए है बेलजेबुब, और 13th में ऑप्शन बी है, इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, 4 वर्ड दे रखे हैं जिसमें से एक करेक्ट है बाकी इनकरेक्ट हैं, तो आप
ऑप्शन देख सकते हैं, तो 13 में बी है, 14 में ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड 15 में ऑप्शन सी हो जाएगा अगेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16, 16 में ऑप्शन ए नार्सिसस, ये करेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 17 to 22, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू ट्रेस द पार्ट्स विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है हुआ पूरा ए बी सी डी चार कॉलम में, और उसमें जो रॉन्ग है, जिसमें एरर है, उस पार्ट को हमको फाइंड आउट करना है। तो 17th में द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड, नो एरर, तो ऑप्शन बी में एरर दिख रहा है यहाँ, 17 में बी हो जाएगा। 18, सूनर नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर्ड द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन, तो 18 में ऑलमोस्ट ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। 19 में हैड ही रीच्ड द स्टेशन ए फ्यू मिनट अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन, तो 19 में ऑप्शन सी में दिख रहा है एरर, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, मेरे तो ऑप्शन ए में एरर दिख रहा है यहाँ, ऑप्शन बी 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग ए स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवार्डेड द गवर्नर्स मेडल, नो एरर, तो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, तो बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी, या हमें ए इसी क्वेश्चन में ये में ही दिख रहा है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ही होता है, तो ऑप्शन ए एरर है यहाँ। विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रिवेंजफुल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 23 का। 24 का टिमल्चुअस मीन्स, इसका मतलब होता है कॉजिंग डिस्टर्बेंस, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेटिसेंट मीन्स, रेटिसेंस का मतलब क्या होता है, रेटिसेंस रिजर्व, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 में। 26 देखते हैं, नॉसियस मींस, नॉसियस मींस क्या होता है, 26 में ऑप्शन सिकनिंग, सी सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, सिकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेटिकल मींस, हाइपोथेटिकल 27 का राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसफिकल सपोज्ड प्रैक्टिकल सेंसिटिव, तो 27 में फिलोसफिकल सेंसिटिव प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल तो नहीं होता एक्चुअली, फिलोसफिकली होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द मर्मर्स हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर वे इवीज द फिगर ऑफ स्पीसीज, तो यहाँ 28 में ऑप्शन सी ऑनोमेटोपोया ये दिख रहा है, फ्लाइज की जो आवाज है उसको शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 बोल रहा है, ओ फेम इफ आई वर टुक डिलाइट इन थाई प्रेसिस द फिगर ऑफ स्पीसीज, तो 29 में ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय द शेक्सपियर, तो इसमें कौन सा वर्ड, कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं है, मच एडो अबाउट नथिंग, एडवर्ड सेकेंड, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग हेनरी फोर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड सेकेंड, ये क्रिस्टोफर मार्लो का था, बाकी तीनों वर्क शेक्सपियर के लिखे हुए हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया किस मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, 32 में, द लाइन्स एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफेनाइट वेराइटी ऑफ कोर्स, ये एंटोनियन क्लियोपेट्रिया की लाइन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, काफी पॉपुलर लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द लाइन्स द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, तो ये कहाँ से ली गई है, 33 में, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट चली गई है। द लाइंस ब्लिस वाज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा मजेदार लाइन है ये, तो ये किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और ये बोला था उस समय जो पोइट्री लिखते थे उस समय के टाइम पे इन्होंने काफी ज्यादा मजेदार बताया था। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, लॉयल्टीज क्राइज क्रॉस ईच अदर
इसे डायलॉग इन द प्ले, किस प्ले का डायलॉग है, तो ये है गॉल्स वर्दी का प्ले लॉयल्टीज क्राइस क्रॉस ईच अदर, जॉन गॉल्स वर्दी। ये टीजीटी में काफी क्वेश्चन आते हैं गॉल्स वर्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 36। ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन ने लिखा था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू द प्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो डी जी रोसेटी रिलेट करते हैं इस स्कूल से, प्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री। बुशनन ने बोला था इस ग्रुप को कि प्लेसी ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री है वो। ए एम फॉस्टर बिलोंग टू, ए एम फॉस्टर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉम्सबरी ग्रुप में ए एम फॉस्टर थे, ठीक है। और फ्लैसी स्कूल में ये जो पेंटर हुए थे डीजी रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी वगैरह, उसी उसी ग्रुप को बोला जाता है फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीट राइटर्स रोट इन द 1950s 40s 60s और 80s। बीट राइटर जो स्पेशली अमेरिका में हुए हैं, उन्होंने किस टाइम ड्यूरेशन के आसपास लिखा था, तो 1950s के पास आसपास लिखा था, 1956 में गया था जो इनकी रिकवर ऑन द रोड, इस तरह से जो ज्यादातर वक्त थे 50s के आसपास थे, 52 56 53, ठीक है। तो यहाँ 39 में ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40। बीकोलिक रेफर्स टू, बीकोलिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द पोइट्स हु रोट पेस्टल पोइट्री, ठीक है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41। क्वेश्चन नंबर 41, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर टू, कैम्ब्रिज स्कूल किसको बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोइट्स, 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी के जो पोइट थे कैम्ब्रिज में खासकर जो पढ़ते थे ग्रुप में, उनको बोला जाता है ए ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी पोइट, उनको कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता है। 42, कथारसिस का मतलब क्या होता है, 42 में ऑप्शन बी इज रिलेटेड टू कॉमेडी ट्रेजेडी सॉनेटरी फार्स, तो ये कथारसिस जो रिलेट करता है ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ट्रेजेडी, ऑप्शन ही राइट आंसर, 42-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कोरस इज ए ब्रांड ऑफ राइटिंग इन ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, हाँ तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 43 में ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है जिसको कोरस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कॉमिक रिलीफ एम्प्लाइज, कॉमिक रिलीफ क्या होता है, द इंटरवल इन ए प्ले और फिल्म, अ हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी, द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस, तो 44 में ऑप्शन ए राइट आंसर है, द इंटरवल इन ए प्ले और फिल्म, इसको कॉमिक रिलीफ बोला जाता है। मोरलिटी प्लेज वर्क, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 45, प्रोड्यूस्ड इन द 15th 16th सेंचुरी, जनरली ये 15th 14th सेंचुरी में 16th सेंचुरी के आसपास लिखे गए थे, तो 45 में ही हो जाएगा। 46 देख लेते हैं, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो अगेन सिंपल है, ऑक्सीमोरन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, पैराबल इज, पैराबल किसे बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रीफ स्टाइल स्ट्रेटिंग सम मॉरल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग, ग्रामर से क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है, ठीक है, तो इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। इफ यू डू नॉट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय, किडनैपर सेड, ठीक है, तो इसको 48 क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, द किडनैपर थ्रेटन्ड दैट इफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम द बॉय विल बी किल्ड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उफ देयर इज अ स्लग इन माय लेटिस वेटर ही क्राइड, तो इसका 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इनको आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं अपने नोटबुक पे, इनको लिख के ट्राई कर सकते हैं बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, 50 में क्या है, आई होप यू विल हैव ए गुड जर्नी, आई सेड आई ऑल्सो सेड गुड बाय, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आई बेड हिम गुड बाय एंड होप दैट ही वुड हैव ए गुड जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, यू यूज टू बी गुड एट ग्रामर सेड आई व्हाई हैव यू नेग्लेक्टेड इट, इसका नॉन इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई हैड ही नेग्लेक्टेड
माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं होगा इसका, बट आंसर की के अकॉर्डिंग यही दे रखा है, ही हैड होता, बट एज पर द आंसर की ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर, बट आई थिंक इट इज नॉट राइट हेयर। ओके, यू कैन चेक इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आई इनवाइटेड रामा टू कम फॉर ए ड्राइव द फॉलोइंग डे। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई सेड टू रामा विल यू कम फॉर ए ड्राइव द नेक्स्ट डे। ठीक है, इनडायरेक्ट था, इसको डायरेक्ट बनाया, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 52 में। 53 से देखते हैं, 53 टू 58 आर रिलेटेड टू चेंज इन द वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ गए। तो 53 का देख लेते हैं, दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन। ठीक है, 53 में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो 54 में ऑप्शन डी राइट आंसर है, द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल द एंड ऑफ द मंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ए जॉब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56, द पीएम वाज टू हैव ओपन्ड द ड्राई डॉक। तो 56 में ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपन्ड बाय द पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57, क्वेश्चन नंबर 57, एंड अन इजी साइलेंस सक्सीड द शॉट। तो 57 में ऑप्शन बी है, द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन इजी साइलेंस, 57 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस इन फिल करना है 59 to 64। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग, ऑप्शन है ऑन इन विद एट, तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग एट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ही शुक मी ब्लैंक द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विद द कोट, 60 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61, 61, सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वॉन। ठीक है, तो 61 में ऑप्शन सी वन आउट, ठीक है, राइट आंसर। 62 में ऑप्शन देख लेते हैं, वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड। तो 63 में आई थिंक ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 64, पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन ब्लैंक मर्डर, तो 64 में ऑप्शन ए राइट आंसर है, मैन ऑफ मर्डर, ठीक है, अक्यूज द मैन यंग मैन ऑफ मर्डर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 64 में। 65 देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड, यहाँ पंक्चुएशन क्वेश्चन आ गए हैं कुछ, तो इसमें कौन सा ठीक से पंक्चुएट किया गया है वो देख लेना है, तो 65 में ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है, इसलिए क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66, इसमें भी वेल्थ में सी के दे रखा है, इसको करेक्ट करके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप आराम से देख सकते हैं। 67 सेम ही है, 67 में आप अरेंज करेंगे तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर मिल जाएगा आपको, सी इसका राइट आंसर है, यहाँ भी इसको पंक्चुएट करके आराम से ठीक किया जा सकता है। 68 में ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसको भी आप पंक्चुएट कीजिए और ट्राई कीजिए, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबोलिश, स्लेवरी ऑफ कास्ट, ऑप्शन 68 में बी, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट पंक्चुएशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69, क्वेश्चन नंबर 69, एल्यूशन इज अनदर स्पेलिंग ऑफ लिसन, इज ए ग्रामेटिकल डिवाइस एंड इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नाउन एज द पोइट ऑफ पोइट्स पोइट, पोइट्स पोइट एडमंड डिस्पेंसर को बोला जाता है, कवियों का कवि, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हु इज नाउन एज द पोइट्स पोइट, ठीक
ठीक है, एडवांस, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज काफी टफ हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 to 75। इन क्वेश्चन 71 to 75 यू हैव ए पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अभी सामने स्क्रीन पे आप पैराग्राफ देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पैराग्राफ चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। मैं इसको आपको पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है उनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इम्पोर्ट हेयर मीन्स 71 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंस, ठीक है। सी 71 में सी, 72 सो लॉन्ग एज साउल एंड बॉडी आर टुगेदर, इसका मीन्स क्या है 72 में ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। एज सो लॉन्ग एज वी आर अलाइव, राइट। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कुछ खास इशू आएगा नहीं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में, बट आपको ध्यान से पढ़ना है, इतना ही करना है। 74 में पीपल हाइड देयर राउंड सेंटीमेंट्स बिफोर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, तो यहाँ 74 में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे वांट टू फ्लैटर एंड प्लेजर हिम, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इश्यू होगा नहीं। 75 में बी हो जाएगा, व्हाट इज द मोस्ट ट्रूथफुल धर्म दैट विच डिस्क्राइब्स वायलेंस, ठीक है। तो 75 में बी राइट आंसर हो जाएगा एज पर द पैराग्राफ। 78 से 76 टू 80, अगेन एक और पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना है फिर उसके बेस पे फिर से क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है पैराग्राफ, अब यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। दो फाउंड ऑफ मैनी एक्यूटेंस आई डिजायर एंड एंटीमेसी ओनली विद ए फ्यू, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 76 का आंसर बी है, 77 का आंसर सी है, वन हु इज कैप्रिशियस, और 78 का आंसर बी है, पार्सिमनी रेफर्स टू, ऑप्शन बी एविडेंस ऑफ एक्सेस। 79 का आंसर ए है, फुल ऑफ पिटी, ग्लोइंग विद कंपैशन इंप्लाई फुल ऑफ पिटी, ठीक है। एंड 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है रिवील्स हिम मींस, इसका मतलब क्या दे रखा है एज पर द पैराग्राफ, ऑप्शन सी मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस एविडेंट, राइट। इसके बाद अगेन डायरेक्शन 81 to 90, इन क्वेश्चन 81 to 90 यू हैव ए पैसेज रीड, यहाँ भी पैसेज है, रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ना अच्छे से, उसके बेस पे 10 क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। ही इज वेरी स्किल्ड मैन, सम टाइम ही सेंड्स हिज ड्रिल मोर देन ए माइलिंग टू द अर्थ, देर इज अ लॉट ऑफ लक इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल, द ड्रिलिंग मे जस्ट मिस द ऑयल ऑल दो इट इज नियर, एंड ऑन अदर हैंड इट मे स्ट्राइक ऑयल एट द फेयरली हाई लेवल, when the drill goes down it brings up soil and the sample of the soil from various depths are examined for trace of oil, when we buy a few gallons of petrol for our cars we pay not only the cost of the petrol but also a part of the cost of the search that is always going on. तो ये क्वेश्चन है 81 to 90, तो इसके आंसर है। पैराग्राफ मैंने वैसे पढ़ के बोल दिया, फिर भी आप इसको चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 81 में वेल्स आर बी ऑप्शन हो जाएगा, 81 में बी, एंड 82 में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 में ए हो जाएगा, 83 में भी ए हो जाएगा, 84 में बी हो जाएगा, एंड 85 में बी हो जाएगा, एंड 86 में ए हो जाएगा, एंड देन 87, 87 का आंसर हो जाएगा डी, एंड 88 का बी, ऑयल वाज फर्स्ट फॉर्म अंडर द सी, एंड 89 का हो जाएगा सी, एंड 90 लास्ट क्वेश्चन इसका, इस पैराग्राफ का इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वाज टू एक्साइटेड टू थिंक, एक्चुअली सेंटेंस मिसप्रिंट हो गया है वही तो दिख नहीं रहा है। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, 92 को करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस ऑप्शन बी है, दे इनवोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ये दिख रखा है तो करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा है 93 में, ऑप्शन बी द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालयज, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 में ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ लव,
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमरस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो शेक्सपियर ने किस तरह की कॉमेडी लिखी थी? तो रोमांटिक कॉमेडी लिखी है शेक्सपियर ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड देन मेनेस्ट इज सैड ऑफ, ये बात किसके बारे में बोली गई है? तो ये बेकन के बारे में बोली गई थी, इसको ब्राइटेस्ट वाइजेस्ट मतलब मीनेस्ट पर्सन बोला था। ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिसको लेके उसको सबसे ज्यादा समझदार, चमकीला और सबसे ज्यादा घटिया भी बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 97, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वाज बॉर्न एट, अब ये चार ऑप्शन दिए गए 97 में, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एट A1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन टू विच आवर विल आर गार्डनर, द अबव वर्ड्स फॉर्म द स्पीच ऑफ, ये किसने बोले थे, किसकी स्पीच थी? 98 में ऑप्शन बी हो जाएगा, इयागो ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीड बाय ब्लैंक एज द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट साउदी के बाद कौन बना था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल, इसको देखते हैं आगे। द अबव लाइन हैव बीन रिटन इन, ये किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये आयम्बिक मीटर में लिखी गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 101 देखते हैं, सार्टर इज सार्टर इज थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ कार्लाइल, जॉन कार्लाइल का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मॉन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क, सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू हुम हिज इंफॉर्मेशन वाज गिवन, तो 102 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग मिल्टन का फ्रेंड था। As flies to venton voice are we to the gods, they kill us for sports, the above line by Shakespeare occurs in the play, अब इंटरेस्टिंग लाइन है, कहाँ किस प्ले में आती है? तो किंग लेयर में आती है, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन करेक्टर डेलीला अपियर्स इन, डेलीला किस करेक्टर करेक्टर है, किस वर्क में आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104 का। नेक्स्ट 105 देख लेते हैं, गर्ल्सवर्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, गर्ल्सवर्थी को 1932 में नोबेल मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, द अबव लाइन अबव लॉन्ग एगो। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से लिखी है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन एक सोलिटरी रीपर, दी सोलिटरी रीपर, यहाँ से लाइन ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्क हुआ था अमेरिकाई राइटर का, तो किसने लिखा था? तो आर्थर मिलर का वर्क है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ऑप्शन बी राइट आंसर, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108, हु मेड द डेविल्स रिमार्क विदाउट मिल्टन, मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये ब्लैक ने, विलियम ब्लैक ने बोला था कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडिंग कैटरेक्ट्स हॉन्टेड मी लाइक पैशन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम, तो किस लाइन किस पोएम से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है टिंटन एबी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 109 में। 110 देखते हैं, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ओनोमेटोपोया इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। ठीक है, ये आवाज हो रही है वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 111, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट ए प्ले रिटन बाय, तो 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थर जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 112, इन विच चार्ल्स डिकिंस नोवेल वी कम अक्रॉस ए करेक्टर कॉल्ड मिस्टर मैकावर, ये करेक्टर मिस्टर मैकावर किस वर्क में है? तो 112 में बी हो जाएगा, डेविड कॉपरफील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी यूज अनदर पर्सन थॉट राइटिंग एज वंस कॉल्ड,
तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए प्लेगरिज्म, ठीक है, दूसरे लोगों की राइटिंग प्रोसेस या उनके जो थॉट है उसको कॉपी कर लेना, प्लेगरिज्म। 13 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज फ्रेज कॉइंड बाय। विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये जो फ्रेज है किसने कॉइंड किया था, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, एसटी कॉलेज का ये कॉन्सेप्ट है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द चौसेरियन स्टेंजा राइम रॉयल कंप्राइज, कितनी लाइन होती हैं चौसेरियन स्टेंजा में, तो सात होती हैं, राइम रॉयल बोलते हैं इसको, ठीक है। अ लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्थी जेन, द लिटिल मैन जो गॉल्सवर्थी का एक वर्क है, एक प्ले है एक्चुअली, वन एक्ट प्ले, ठीक है। 116, 117 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ए सडन एंड रेडिक्यूलस डिसेंडेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग फॉर नॉवेल और पैथेटिक अचीव्स द लिडिक्रस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। तो 17 में राइट आंसर है बी, बेथोस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन। तो पहला जो ऑफिशियली अपॉइंट किया गया था वो था आई थिंक जॉन ड्राइडन। ड्राइडन को 1668 में चार्ल्स सेकंड के द्वारा ऑफिशियली पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया था। हालांकि इससे पहले भी और राइटर, तीन राइटर पोइट लॉरेट बने थे, लेकिन उनको ऑफिशियली अपॉइंट किया हुआ नहीं माना जाता है, जैसे चौसर को, उसके बाद जॉन स्केल्टन और फिर बेन जॉनसन को भी पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया था। बट इट इज बिलीव दैट दोज पीपल वर नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड, बट फर्स्ट वन जॉन ड्राइडन वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट ऑफिशियली बाय चार्ल्स सेकंड इन 1668। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर एज पर माय नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइंड बाय। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड जो टर्म है वो टी एस इलियट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। 20 में बी, आई एम फेड अप विद यू, ठीक है, ये करेक्ट है, टिक कर दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। 121 में लुक बिफोर यू लीप, ठीक है, कूदने से पहले देखो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 टू 125, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एरर ए बी सी, सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर सिर्फ वन पार्ट एंड हैव, वही एरर फाइंड आउट करना है एक्चुअली यहाँ। तो इसमें ऑप्शन डी है पहला, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है, कुल मिला के तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। 123, इट इज रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज नॉट रिप्लाइड माई लेटर, ऑप्शन डी। तो यहाँ ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, सी में एरर है यहाँ भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ भी एरर सी में ही दिख रहा है। तो ये 2011 10/11 का TGT का पेपर था। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।